जो बगीचा आपने लगाया है तो कहाँ कहाँ के इसमें फ्रूट हैं? इसमें ताइवान के हैं, थाई हैं, अलग अलग कंट्रीज के हैं पौधे। जो टोटल 18.5 एकड़ जो खेती है मेरी, उसमें मैंने कोई धान की फसल नहीं की है, सारा बागवानी और फिश पॉन्ड बनाया। ये मौसमी का पौधा थाईलैंड का है जो कि अभी 2 साल हो गए लगाए हुए। तो अगर आप केरिये की बात करें, धान ज़्यादा लगती है लेकिन आपने 20 एकड़ के आसपास बगीचा लगाया रहा है, तो ये प्रोत्साहन कहाँ से, किस तरह से आपने? बस थोड़ा हट के करने की इच्छा थी कि कुछ अलग हट के किया जाए जिससे लोगों को भी लगे कि इसमें अच्छा है कोई मान। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जो अन्य किसानों के लिए एक मिसाल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, एक ऐसा किसान है सीवन का, वो किसान है जिसने बागवानी, मत्स्य पालन और जो फसल विविधीकरण है वो अपनाया हुआ है, जिसमें अनेक तरह की जो सब्जियों की फसल भी लेते हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि 20 एकड़ का यह है जो किसान है, लेकिन पूरे 20 एकड़ के अंदर ही इन्होंने ये बागवानी और मत्स्य पालन और जो फसल विविधीकरण है वो अपनाया हुआ है, जिसमें कई प्रकार की जो सब्जियाँ ये लेते हैं। और आपको बता दें कि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी नहीं पहुँचे हैं सलाह देने। सरकार एक तरफ जहाँ फसल जो परंपरागत खेती है इसको छोड़कर किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान अपने आप में एक मिसाल है, जो आपको बता दें कि थाईलैंड में ये रहता है लेकिन सीवन इसका आना जाना लगा रहता है यहाँ। मैं आपको एक खास बात और बता दूँ कि जो पेड़ पौधे हैं ये विदेशी पेड़ पौधे हैं, कोई थाईलैंड का है, कोई अन्य किसी जगह का है, कलकत्ता वगैरह से मंगाए हुए हैं। और तो हम इस किसान से बातचीत करते हैं कि कहां से इन्होंने जो ये सलाह वगैरह ली और किस तरह से इनके मन में ये विचार आया, तो इतने 20 एकड़ में इन्होंने जो बागवानी वगैरह अपनाया हुआ है, तो आइए जान लेते हैं प्रवीण सरदाना जी से। जी प्रवीण जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने 10 एकड़ यहाँ पे थाई एप्पल बेर लगाया हुआ है जी, 3 एकड़ मौसमी लगाई हुई जिसमें भी कुछ विदेशी हैं 1-2 एकड़ जी, और ये ताइवान पिंक गुआवा लगाया हुआ है जी, 2 एकड़ चीकू लगाया है, 1 एकड़ मैंने शहतूत लगाया हुआ है जी, और बाकी सब्जी की हुई है 2-3 एकड़ में। और जो काफ़ी बरसात में काफ़ी फसलों का सब्जियों का नुकसान होता है जिसमें हमें सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला अभी तक, ना भी कोई अधिकारी हमारे यहाँ आए विजिट करने जी। और इसमें हमने मक्का भी लगाया हुआ है, कोई हमारे कोई ऐसा कोई अधिकारी किसी का भी हमारे साथ संपर्क नहीं रहा कि आपको ये सहयोग मिलेगा। टोटल की टोटल हमने 1 एकड़ भी धान नहीं है हमारे पास जी। तो अगर आप केरिये की बात करें, धान ज़्यादा लगती है लेकिन आपने 20 एकड़ के आसपास बगीचा लगाया है, तो ये प्रोत्साहन कहाँ से, किस तरह से आपने? बस थोड़ा हट के करने की इच्छा थी कि कुछ अलग हट के किया जाए जिससे लोगों को भी लगे जी कि इसमें अच्छा है, कोई मार्केटिंग का नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा वो नहीं है जी, तो सरकार का सहयोग हो कोई ऐसा वो जी, हमें सहयोग नहीं। तो जो ये पेड़ पौधे जो बगीचा आपने लगाया है तो कहाँ कहाँ के इसमें फ्रूट हैं? इसमें ताइवान के हैं, थाई हैं, अलग अलग कंट्रीज के हैं पौधे जो कि अच्छे। अभी नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि हमें कुछ फल या इनकम होगी, अभी 2 साल हो गए जेब से खर्चा कर रहे हैं जी, जिसमें भी। तो जैसे अगर कोई सलाह आपने लेनी हो और लेनी हो तो इनमें कोई बीमारी वगैरह आती है क्या, कुछ दवाई वगैरह डालते हैं तो जो कृषि अधिकारी हैं ना इनसे इन 1-2 बार गए थे कैथल बागवानी दफ्तर में लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला, तो उसके बाद हम अपने कोई जो नर्सरी करते हैं उन्हीं की सलाह पे थोड़ा बहुत इनमें जो कीटनाशक होते हैं जो खाद होती है वो डालते रहते, ज़्यादातर ऑर्गेनिक केचुए की खाद ही यूज़ कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ कर रहे हैं हम इसमें जी। वर्मी कंपोस्ट तो इसकी मार्केटिंग के लिए कहाँ? मार्केटिंग तो अभी नेक्स्ट ईयर अब फरवरी से इनके प्रोडक्शन शुरू होगी, तब किसी बड़े शहर में देखेंगे भी क्या रेट बिकता है जी। जैसे आप थाईलैंड में लगभग ज़्यादा समय बिताते हो और यहाँ सीवन भी आना जाना लगा रहता है, तो बीच में संभालते हो? हाँ, इसमें स्टाफ रखा हुआ है, स्प्रे वगैरह खाद पानी डालते रहते हैं, इकट्ठा स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पे हमने। ये 2 एकड़ चीकू का फार्म है जी, इसमें अभी नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन होगी, 1 साल से ऊपर हो गया इसको लगाए हुए जी। तो जैसे बरसात में फ्लड आने में भी इसमें पौधों का काफ़ी नुकसान होता है, रिचार्ज की कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है कि जिससे पानी फ्लड के पानी को, यहाँ नोच तक का पानी आता है हमारे खेतों में से गुजरता है, 2-2 फुट तक 2 महीने तक रहता है जो कि फसलों को नुकसान देता है। ये मौसमी का पौधा थाईलैंड का है जी, जो कि अभी 2 साल हो गए लगाए हुए, 2 साल बाद ये प्रोडक्शन पूरा देना शुरू करेगा जी। इसके अंदर न्यूट्रिशन और पीली मौसमी बोलते हैं इसको, और जूस में बहुत बढ़िया क्वालिटी इसका न्यूट्रिशियस मौसमी जी। ये शहतूत कितने में लगाया जी? ये 1 एकड़ में लगा हुआ है शहतूत जी, जो कि वाइट कलर में होता है और फिंगर से भी लॉन्ग होता है और जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है,
और इसके ऑर्गेनिक भी बहुत फायदे हैं जी। ये सारी ये कहाँ से लेके आए? ये कलकत्ता से मंगवाया था, वो बाहर से तैयार करते हैं जी। अभी ये थोड़ा थोड़ा आया था फल, हमने पहली बार लिया नहीं, अब दूसरा साल है, इस साल फल लेंगे फरवरी में। तो जो ये मौसमी और शहतूत आपने लगाया, तो बीच में कौन सी बीच में हम जैसे वोकेशनल सब्जियां लगाते हैं, जैसे अभी हमने इसमें गोभी लगाई थी, वो जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो अब दोबारा मटर लगाने की तैयारी है। और इसमें भी हम मटर लगाएंगे, पहले गोभी लगी हुई थी इसमें जी। यहाँ जैसे बागवानी के साथ क्या कुछ उगाया हुआ आपने? ये एप्पल बेर के अंदर हमने इसमें वो तरबूज की खेती की हुई है जी, जो कि बेमौसमी है। शादियों में जब सर्दियों में खाते हो, शादी पार्टियों में, ये वो वाले तरबूज है जी, जो आपको 12 महीने इस मौसम में हो जाएंगे। हाँ, होते हैं ये। और ये इधर हमने ये खीरा लगाया हुआ है जी, ये बिना उसके पोली हाउस के है, और ये बागवानी के अंदर ये चल रहा है बीच बीच में, जहाँ पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं दोबारा भी लगा देते हैं जी। इसमें ये 2 एकड़ स्वीट कॉर्न लगाया हुआ है, पिछले साल इसमें धान था, लेकिन इस साल हमने सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार हमने स्वीट कॉर्न मक्के की खेती की हुई है जी। तो ये मतलब चराई के काम आएगा या इसके गुल्ले वगैरह को? इसको दोनों ही है, जैसे अगर इसमें गुल्ले अच्छे लगेंगे तो गुल्ले तोड़ लेंगे, नहीं तो हम पशुओं की चराई में इसको इस्तेमाल करें जी। ये होटलों वगैरह में बिकने के लिए स्वीट कॉर्न जो होता है जी, वो वैरायटी है जी। तो आगे अभी उम्मीद है कि हम इसी में आगे करते रहेंगे जी। ये वैरायटी कहाँ से ले गए थे आप? ये भी हमने विदेश से मंगवाई थी, विदेश से बीज मंगवाया, अभी और भी मंगवाया हुआ जी। तो सभी ज़्यादातर मतलब जो बीज है विदेश से लेके आते हो? हाँ जी, हाँ जी। इसमें हमने गोभी लगाई हुई है और टमाटर भी लगाया हुआ है, कुछ मूली लगाई हुई है जी। एक एकड़ जगह है, एक एकड़ में गोभी टमाटर और मूली। हाँ जी, इसमें काफ़ी जगह पौधे भी ख़त्म हो गए थे हमारे बरसात में जी। ये ताइवान पिंक गुआवा है जी, ये भी साल में 12 महीने लगता है, ऑल टाइम बोलते हैं इसको जी। और ये पिंक कलर का होता है, पिंक ताई गुआवा बोलते हैं। अभी भी फ्रूटिंग देख लो, छोटे से पौधे के ऊपर सैकड़ों फल लगे हुए हैं जी। ये कितने एकड़ में लगाया हुआ है जी? ये 3 कनाल में लगा हुआ है। 3 कनाल में। और जो ये बेरी का जो बाग दिख रहा है, ये 3 एकड़ में है। 3 एकड़ में। हाँ जी। तो टोटल 18 एकड़ होगा जी? टोटल 18 एकड़ है। 3 एकड़ तो इकट्ठा ये 2-3 साल पहले लगा हुआ है जी, बाकी कोई साल 2 साल पहले लगाया, कोई 6 महीने साल पहले लगाया, ऐसे लगा रहे हैं। और जो ये आम आपने लगाए हुए हैं, ये कहाँ के हैं? ये भी थाईलैंड का ATM बोलते हैं इसको, ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं। अच्छा जी। 12 महीने आम खिलाएंगे इंडिया वालों को जी। तो ये कितने पौधे लगा रखे हैं आपने? ये तो अभी 2-3 एक्सपेरिमेंट के लिए लगाए थे, 1 साल हो गया, लेकिन अच्छी ग्रोथ है, तो इसके सोच रहे हैं कि 1-2 एकड़ बाग लगा दें। तो प्रवीण सरदाना है जो आपको दिखाते हैं कि बागवानी के अलावा जो मत्स्य पालन या जो सब्जी वगैरह की जो खेती है वो भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 एकड़ में इन्होंने मत्स्य जो पालन है वो भी किया हुआ है, लेकिन क्या कुछ सरकार की ओर से इनको बेनिफिट मिलता है, किस तरह से जो अधिकारी आते हैं इनसे जान लेते हैं जी? सरकार की तरफ से इसमें कोई भी सहयोग नहीं मिला है, ना हमने कुछ लिया अभी तक जी, खुद ही अपने बलबूते पे कर रहे हैं जी। तो ना उम्मीद है। 1 एकड़ में मत्स्य का तालाब बनाया था, उसकी मिट्टी हमने रस्तों में डाल के ऊंचा किया, 3 रस्ते मेरे खेत के, तीनों ही कच्चे हैं। बरसात में आने जाने में दिक्कत होती है जी, जो हमारे को सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिखती जी। आइंदा हम सोच रहे हैं यहाँ से पलायन नहीं कर जाएं, छोड़ जाएं इस काम। लेकिन जो सरकार की स्कीम है भी सभी जो खेतों के रस्ते हैं उनको पक्का करना है, तो आप किसी अधिकारी से मिलने आपने आवाज उठाई? काफी MLA विधायकों को भी कहा, अफसरों को भी कहा जी, वो बस बोलते हैं एप्लीकेशन दे जाओ जी, कर लेंगे बाद में। लेकिन 3 रस्ते होते भी एक तो पक्का होना चाहिए, जिनके 2-2 एकड़ है उनके भी रस्ते पक्के हैं। हमारे 20 एकड़ होते हैं जो कि हम सब्जी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिक्कत 12 महीने बरसात में भी आती है जी। तो कोई सहयोग की उम्मीद ही नहीं है सरकार की तरफ से, ठीक है, ना कोई सुनवाई है। AC कमरे में अधिकारी बैठे रहते हैं जी, जाओ आओ, बस एप्लीकेशन दे के आ जाओ, उनके पास कुछ नहीं होता।